Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. I really hope you all are doing extremely well. आज का वीडियो का टॉपिक है नायका हॉट पिंक सेल शॉपिंग हॉल. यहाँ पे मैंने ढेर सारे प्रोडक्ट्स एक्चुअली परचेस किए हैं, पूरा बास्केट भर के मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं. सारे प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप लोग चाहे तो प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो सबसे पहले मैंने ये सिंपल का ये एक मॉइस्चराइजर परचेस किया है. लास्ट 3-4 दिन से इसको यूज़ भी कर रही हूँ एंड काफ़ी मॉइस्चराइजर सच पूछे अच्छा है. बहुत जिनका ड्राई स्किन है उनके लिए तो परफेक्ट है. स्किन को हाइड्रेटेड करता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, मॉइस्चराइज करता है, अच्छे से क्लीन करता है. बट इसको यूज़ करने के आई थिंक 2 दिन बाद मेरे को पता नहीं क्यों एक्ने शुरू हो गया, ब्रेकआउट्स आ गए हैं. वो तो अभी मैं कंसीलर से इसको हाइड किया बट एक्ने आया है. मेरा ड्राई स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो मुझे तो सूट नहीं हुआ है. आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी नॉर्मल टू ड्राई स्किन पीपल को सूट नहीं होगा, बट यार मुझे सूट नहीं हुआ. तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिए. आई थिंक वेरी ड्राई स्किन पीपल कैन यूज दिस. ऑर्डिनरी का हाइलोरोनिक एसिड जस्ट अमेजिंग. 4th या 5th बॉटल कुछ होगा मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं है. नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, वेरी ड्राई स्किन, सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. आज तक मुझे कोई भी एक्ने प्रोन का प्रॉब्लम इससे तो नहीं हुआ. सेरावे का मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये यहाँ पे तो लिखा है कि फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन. एक दो बार यूज़ किया है, मुझे इतना बुरा तो नहीं लगा है. सेरावे का मॉइस्चराइजिंग लोशन के साथ सेरावे का एक क्रीम भी मुझे फ्री में मिला है. माय ऑल टाइम फेवरेट फॉरेस्ट एसेंशियल का रोज वाटर, ये भी बहुत टाइम से ट्राइड एंड टेस्टेड है. आप लोग आग बंद करके ले सकते हैं, कोई भी स्किन टाइप इसको आराम से यूज कर सकता है. लव ब्यूटी एंड प्लैनेट के एक शैम्पू एंड हेयर मास्क. ऑनेस्टली लव ब्यूटी प्लैनेट की ये दो प्रोडक्ट मुझे एक PR में रिसीव हुआ था एंड उसके बाद मैंने यूज़ करके देखा कि ये इतना ऑसम प्रोडक्ट है, स्पेशली फॉर फ्रिजी हेयर. मैंने सोचा कि क्यों ना, इतना जब मुझे इसका अच्छा इफेक्ट मिला, क्यों ना मैं इसको परचेस करूँ. बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ये बॉडी मिस्ट. ऑलवेज अच्छा स्मेल होना किसको नहीं पसंद है बताइए. बाथ एंड बॉडी वर्क्स के ढेर सारे, एटलीस्ट 5-6 बॉडी मिस्ट तो मेरे वैनिटी में ऑलवेज ही रहते हैं. उसमें से ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ये इन टू द नाइट है. ये ऑलमोस्ट एक थोड़ा सा फ्लोरल एंड बहुत ही माइल्ड सा फ्रूटी फ्लेवर है. गाइज डेफिनेटली ट्राई कीजिए अगर आपको फ्लोरल सेंट पसंद है. ये 50% या 60% कुछ डिस्काउंट में था तो मैंने इसको परचेस कर लिया. अभी मेकअप प्रोडक्ट्स की बारी. सबसे पहले मैं दिखा दूँ मेबलिन का मैंने एक ब्राउ डिफाइनर परचेस किया है. मेबलिन डिफाइन एंड ब्लेंड ब्राउ पेंसिल, ये एक ब्राउन शेड का है, लाइट ब्राउन, मेरे ब्राउज के लिए परफेक्ट है. और पीछे ऐसे स्पुली भी दिया है तो काफ़ी इजी टू यूज़ है. ये है मेबलिन टैटू स्टूडियो स्मोकी आई जेल. फर्स्ट टाइम मैं इसको परचेस किया, यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा लगा. मैं थोड़ा सा अपने हैंड स्वॉच करके दिखा देती हूँ कैसा है. काफ़ी हाईली पिगमेंटेड है और ऐसा पीछे भी ऐसा जो ब्लेंड करने का होता है वो दिया रहता है, तो काफ़ी अच्छे से आप स्मोकी आई इससे बना सकते हैं. मेबलिन का सुपर स्टे मैट इंक लिक्विड लिपस्टिक मुझे एक छोटू सा मिला है फ्री भी. इसका जो शेड का नाम है वो मुझे नहीं पता, मैं सब नीचे एक्चुअली स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. ये एक बोल्ड रेडिश पिंक है. मैं पहले ही बता दूं मैंने इस बार ढेर सारे लिपस्टिक एक्चुअली परचेस किया है नायका सेल से. सो अगर आप एक लिपस्टिक लवर है मेरे तरह तो डेफिनेटली स्वॉच के लिए वेट कीजिए. शैम्बोर का एक लिपस्टिक फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली परचेस किया है, यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है कलर. ये भी एक पिंक शेड है, मैं दिखा देती हूँ स्वॉच करके, देख सकते एकदम डार्क एक सही पिंक शेड है. इसको मैंने अप्लाई किया था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना. मैं यहाँ पे पिक्चर या वीडियो दे दूंगी कि कैसा स्वॉच करके कैसा लगा था. अगेन हाइप्ड लिपस्टिक एटीट्यूड का फिक्सिंग टेंट, पिंक बेरी पिंक डार्क पिंक में ही परचेस किया है. तो ये एक टेंट है, अगर आप लिपस्टिक रिमूव भी कर लेना तो भी ये टेंट रह जाता है. ये वाला क्वालिटी इज सुपर, इजी टू अप्लाई. गाइज हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. ओके अभी आते हैं लक्स प्रोडक्ट के लिए. हुडा ब्यूटी का जो लिप ब्लश, ये लाइक शेड का नाम है रोजी किस.
ये एकदम ये वाला लास्ट वाला, बट ये शेड नहीं है। इसका जो शेड है ना गाइज, लिप्स पे लगाने के बाद ओ माय गॉड, इतना एक माइल्ड पिंक लिप्स आपका हो जाएगा। माय फेवरेट थिंग, हुडा ब्यूटी लिप ट्रायो इन द शेड आइकॉन, गाइज एक्सेलेंट। इसका एक्चुअल प्राइस था 2750, बट मुझे 50% डिस्काउंट में मिला था कुछ 1300। मैं इसको अभी ओपन करके आपको दिखाती हूँ। हुडा ब्यूटी का लिप लाइनर हम सबको पता है बहुत ऑसम होता है। ये देख सकते हैं ये वाला लिप लाइनर, हुडा ब्यूटी का एक बुलेट लिपस्टिक फुल साइज। बाय द वे ये लिपस्टिक, बुलेट लिपस्टिक मुझे फुल साइज में मिला है, और जो लिप पेंसिल एंड लिक्विड लिपस्टिक है वो सब मिनी साइज में मिला है। तो इसका शेड का नाम है रॉन्डेवू। देख सकते ऑसम एक पिंक है, लाइक एक बहुत ही स्वीट सा पिंक शेड है। एंड ये है लिक्विड लिपस्टिक एंड द शेड नेम इज आइकन। नाउ द शो स्टॉपर इज शार्लेट टिलवरी का एयर ब्रश फ्लॉलेस, कुछ बहुत ही बड़ा नाम होता है इनका, लिप ब्लर कुछ ऐसा, थोड़ा सा पीछे पिंक आप बोल सकते। देखिए ये वाला शेड, शार्लेट टिलवरी वाला प्रोडक्ट एक्चुअली मुझे 40% डिस्काउंट में मिला था, तो ये काफी अच्छा एक प्रोडक्ट है मैं बोलूंगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूड स्टिक का एक ब्लश जो न्यूली लॉन्च हुआ था, ये मैंने काफी बार यूज किया है। देख सकते हैं बीच में इसका हाइलाइटर भी होता है, तो काफी एक गॉर्जियस एंड एक शाइनी लुक देता है। शाइनी मीन्स ऐसा नहीं है कि ग्लिटरी लुक होगा, नो। मैंने अभी ये ब्लश फेस पे अप्लाई किया है एंड कोई भी मैंने हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया। आप लोग देख सकते काफी मेरा स्किन जो है बहुत ही फ्लॉलेस दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्चुअली। सो गाइज ये था मेरा नायका हॉट पिंक सेल शॉपिंग हॉल। आई रियली होप आप लोगों का आज का वीडियो अच्छा लगा है। इसमें से कोई भी प्रोडक्ट का अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, मैं थोड़ा टाइम यूज करके देन इसके बारे में रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूंगी, या फिर कोई ना कोई व्लॉग में तो रिव्यू मैं दे ही देती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। सो गाइज मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।